हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है? Hey, Oliver. Good morning. एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं. तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूँ. गुड मॉर्निंग. आ गया सुबह सुबह. गुड मॉर्निंग. ये बहुत जल्दी आ गए. मुझे बहुत सारा काम है. मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए. मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी. कितनी खुशी की बात है. हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बारकास जा रहे हैं. क्या कह रही हो? हाँ, वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम है. हाँ हाँ हाँ, पर सनम, हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी. नहीं लगता है आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है. मुझे मंजूर है. क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट. पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो. गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर. सिस्टर, मुझे किस करने दो. ये मेरा भाई है जो कनाडा में रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना. हाँ, पर तुमने ये कभी नहीं बताया था कि ये इस्तांबुल में पब्लिशिंग शुरू करने वाला है. मुझे भी बहुत बाद में पता चला, वो भी डैड ने बताया. तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी. क्या पापा वापस आ गए? नहीं, दरअसल वो इटली चले गए हैं. हमारी फोन पर बात हुई थी. वो क्या है ना, हमारी फैमिली ऐसी ही है, हमेशा ट्रैवल करती रहती है. क्या बात है. इटली, इंग्लैंड, कनाडा, वाह क्या इंटरनेशनल फैमिली है आपकी. बस ट्रैवल ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना. नहीं तो हमारी फैमिली है, बस एक ही शहर में इसी देश में बसे हुए हैं. नेशनल फैमिली. तो आप वही जान हो? हाँ, मैं वही हूँ. ट्रैवलर कैन, पोलैंड ने मुझे बताया था. तुमने तो कहा था कि ये फोटोग्राफर हमेशा जंगलों में घूमते रहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये एजेंसी के मालिक भी है. लाइफ है फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नो. हाँ, पता नहीं कैसे मैं बताना भूल गई. अरे कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं बालकांस, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जंगल खरीद के रखा है. हाँ, खरीदा है. जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी. बिल्कुल करते हैं, लेकिन पहले मैं सनम को जरा नीचे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ऑफर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है. हमें कुछ जरूरी बात करनी है. हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, पर कहाँ बात करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नए ऑफिस में. ठीक है, मिलते. सी यू. जाओ जाओ. जान, क्यों नहीं कि कॉफी हो जाए? हाँ चलो, मेरे कैबिन में पीते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन कितनी जल्द हो गया. ये फ्री टाइम एरिया है, बहुत अच्छा डिजाइन है, और यहाँ डेस्क और टेबल होंगे. ये एम्प्लॉयज के लिए है, वो यहाँ बैठेंगे. और काम कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ. तो पोलन तुम्हारी बहन है? हाँ, लेकिन तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम कभी कभी बात करते हैं. ओ, तो तुम बात नहीं करते? पर मैं और मेरी बहन तो कुत्ते बिल्लियों की तरह रहते हैं. मतलब हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर एक दूसरे को मनाते भी है, और फिर झगड़ते. कितनी अच्छी बात है. हम लोग साथ में कब थे? कुछ सालों पहले टोरंटो में थी सेमिनार में, और मैं लंदन गया था बुक फेयर में एक साल पहले. हमने एक साथ लंच किया था, बाकी ज्यादा कुछ हमारी बातचीत नहीं हुई. अगर हम ऐसे किसी कंट्री में चले जाए या कहीं दूर चले जाए, तो हमारी मॉम तब भी हमें किसी वेकेशन या त्योहार पर इकट्ठा कर ही लेगी, जैसे कि क्रिसमस या कुछ और. मुझे गलत मत समझना, लेकिन छुट्टियां मैं भी मनाता हूँ, और मैं हमारे कल्चर से दूर ही रहता हूँ. मैं कभी कभी अपने दोस्तों से भी मिल लेता हूँ. लेकिन पोलैंड के एटीट्यूड से ऐसा नहीं लगता कि वो इस सब में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है. हाँ, एक्चुअली उसके लिए कोई कल्चर अनजान नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कैन उसके साथ अच्छा है. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. इसी वजह से शायद पोलैंड और जान लंदन छोड़कर इस्तांबुल सेटल हो गए. पोलैंड? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता उससे इसका क्या कनेक्शन. जाने दो.
थैंक यू सो मच, वेलकम। तो तुम ये कह रही कि वो कनाडा आते जाते रहेगा, पार्ट टाइम कनाडा में रहेगा और उसी वक्त वो इस्तांबुल में सेटल भी हो जाएगा। उसने यहाँ किराए पर ऑफिस भी ले लिया है, मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you know? मैं भी नहीं जानती कि उसका प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, वो केवल ट्रैवल ही करता रहता है। ट्रैवलिंग, लेकिन पब्लिशिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, you know? आपको पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा इंसान है नहीं जो डेडिकेशन से you know, काम कर पाएगा। वो फोकस नहीं लगता है मुझे, और उसने सनम को भी जॉब ऑफर कर दी। ऑनेस्टली मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं जान कि वो जो सोचता है उसे वो करके ही रहता है, और अगर उसने सनम को जॉब ऑफर की है तो उसने सोच समझ कर ही की होगी जान। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही से सोच भी सकता है, लेकिन उसका भी सही है, सनम बहुत ही होशियार लड़की है, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत तो है नहीं, पर उसे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम उन दोनों के बारे में एक सा ही सोच रहे हो, तो जाने दो ना, अगर वो एक दूसरे को मिल गए हैं तो। मेरा मतलब है उन दोनों की एनर्जी सेम है, वो साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें इंटीरियर? ऑफिस? ऑफिस तो बहुत अच्छा है। तुम जिस तरह का प्लान बना रहे हो, मैं उसमें खरी उतरती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल तुम खरी उतरोगी इसमें, जिस तरह के तुम इंसान हो पब्लिक ऐसे ही इंसान की तलाश करते हैं, तुम बहुत ही अच्छी हो। वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल, तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम्हें एजेंसी का एक्सपीरियंस भी है, तुम एडवर्टाइजिंग पीआर और मार्केटिंग भी जानती हो, तुम्हारे पास वो सारी चीज है। जब तुम इस तरह से बात करते हो तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही फील होना चाहिए। अच्छा है एजेंसी के जितना बड़ा नहीं है बल्कि उससे छोटा है। हमारे पास दो ही एडिटर होंगे, मैं बताता हूँ, एक रिडक्टर और एक अकाउंटेंट, उसके बाद तुम और सेक्रेटरी, बस इतने ही लोग होंगे और कोई नहीं। अगर सच कहूँ तो मैं एजेंसी के भीड़ और शोरगुल से बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ कितनी शांति होगी, मैं खामोशी से एक जगह पढ़ पाऊंगी और लिख पाऊंगी, है ना? हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल अच्छा करोगी, हम मिलकर बेहतरीन और अच्छा काम करेंगे। तो अपने लिए एक डेस्क चुन लो। हाँ हाँ, तुम पहली हो सिलेक्ट करने वाली। ठीक है, एक दो तीन चार मुझे पसंद नहीं है, ये रहा। तुम नंबर्स भी पसंद कर सकती हो? हाँ। How nice. ये रियल है क्या? सनम, सनम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में। हाँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये अग्रेसिव एटीट्यूड उसका ही नतीजा है। मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। मेरा वहाँ का काम खत्म होते ही मैं यहाँ काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हें यहाँ भी आना होगा ताकि तुम ये काम अच्छे से सीख सको। ऑफ कोर्स, मैं अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी, बाय। ओके, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं बाद में कॉल करूंगी। सी यू। सी यू। जान, तो क्या तुमने फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया? कोई और प्रोजेक्ट ले लिया? बैल्कन्स का प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उससे मुकर नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे इमरे को हेल्प करनी है, यहाँ चीजों को अरेंज करना है, इसलिए। गुड, मैं जाकर अपने भाई से मिल लेती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है जान? ओके ओके पोलन। तक ठीक नहीं हुई सनम डियर। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये
एलर्जी है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें एलर्जी करती है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, वरना ये नौबत नहीं आती। सनम, अगर तुम्हारे सुबह के फालतू काम हो गए, मटर गश्ती हो गई, तो जरा काम पर कॉन्सेंट्रेट करे। यहाँ एजेंसी में लाइफ शुरू हो गई है, यू नो बिजनेस भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान के मुताबिक हो चुके हैं, तो प्लीज काम पर लगते हैं। मैं आ रही हूँ मिस्टर जॉन। सनम आ जाओ, बैठो यहाँ, बात करनी है हमें, चलो। ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कौन बात करता है? हम किस बात पर बात करने वाले हैं ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टबर्न हूँ, बैठो प्रोफेशनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मुझे ये पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंसिडर करो, बैठो ना। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं आपसे प्रोफेशनली ही बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं यहाँ खड़ी रह के बात करूंगी। तुम्हें नॉनसेंस कहने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है? मुझे इस तरह से जवाब नहीं सुनने तुमसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना वो करियर ना छोड़ो जिसे तुमने खुद चूज किया है, तुम्हें यही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने करियर को चेंज करने वाला नॉनसेंस डिसीजन बदल लीजिए, फिर मैं मानूंगी। मैंने भी तो सेम ही किया ना, बताओ मैंने नहीं किया क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ में, यू नो दैट, तुम अच्छे से जानती हो इस बात को, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। और तुम उस आदमी के साथ निकल जाओगी जो तुम्हें सिर्फ दो दिनों से जानता है, और इसलिए तुम ये जो अपनी बनी बनाई जॉब है उसे छोड़ रही हो, जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसे छोड़कर उस। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में, मेरा मतलब बिजनेस से है, मतलब मैंने काम को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा एजेंसी के लिए बहुत कुछ किया। सनम क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा क्या कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई? मेरा मतलब है ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा है। यार तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या? पता नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो, यहाँ तुमने इतना वक्त दिया हुआ है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मतलब तुम बातें बना रही थी, तुम बस अपना वादा तोड़ने में माहिर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसी को क्या महसूस होता है। अरे किसी और को छोड़ो, मेरे बारे में तो सोचो एक बार, बस डिसीजन ले लिया कि तुम जा रही हो यहाँ से, ये क्या बात है? लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी और आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एजेंसी को भी। अरे सनम एक मिनट रुको रुको, क्या कर रही हो? लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा इस तरफ। हाँ हाँ, अरे तुम थोड़ा इस तरफ आओ ना, सब देख रहे हैं, मुझसे बात तो करो तुम। सनम रुको, मुझे बात करनी है, बात तो कंप्लीट करने दो मुझे। जब तक तुम यहाँ हो जरा अच्छे से एक बार सोच तो लो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है या नहीं, सोच लो ना एक बार। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। सनम अभी अभी तुम स्क्रिप्ट राइटर बनी हो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, मतलब सारी बातें अब आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। देखो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम एक काम करो ना, तुम डेरेन से सीखो, तुम अपने आर्ट डायरेक्टर से सीखो। वैसे भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, समझे आप? मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं अब, यहाँ हम सब चले जाएंगे। सनम मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गई ना? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एक लीगल एम्प्लॉई हो, और हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात को समझ लो। देखो अभी हम बात कर रहे हैं लोगों को हीटिंग करने वाली। ये कोई हीटिंग नहीं है, ये एक रियलिटी है, जरा बात को समझो। आप मुझे हीट तो कर रहे हो, ये लोगों को हीटिंग करने वाली। मुझे जो करना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। तुम यहाँ 15 दिनों के मेहमान हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है? नहीं नहीं 15 नहीं, 13 ही दिन, मैंने 2 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था, 15 में से 2 चले गए, 13 ही दिन बच जाते, तो मैं सिर्फ यहाँ 13 दिन तक ही काम करूंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था, 13 हो या 15 मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने दिन भी तुम यहाँ हो तुम मेरी एम्प्लॉई हो, राइट? तो मैं तुम्हें जो चाहे वो कह सकता हूँ। मैं यही हूँ, मुझे गार्ड भी बना सकते हैं, मैं गेट पर खड़ी हो जाऊंगी। तो थोड़ा बिहेव करो और जाकर अपने काम पर लगो ना, यहाँ क्यों बहस कर रही हो? मैं वही करने जा रही थी, लेकिन आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया यहाँ पर बुलाकर। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं बात करके, समझे आप? हाँ ठीक है, जा रही हूँ। सारा वक्त बर्बाद हो गया। बहुत अच्छी जगह है, मुझे पसंद आई। यहाँ लाइब्रेरी देखो, ऊंची सीलिंग है। एग्जैक्टली। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, ओके? कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? मतलब तुम तो ट्रैवल करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। पता है एक कहावत है, ज्यादा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं हो सकता।
हाँ वो मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे अचानक होने वाली चीजें बहुत ही पसंद आती है, खासकर जब ऐसी चीजें हो। मेरे पास इस पब्लिक हाउस में ग्रेट आइडियाज है। हम सिर्फ नॉवेल ही पब्लिश नहीं करेंगे पर कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, कुछ इंटरनेटिव चीजों में कुछ मैं घिसा पिटा नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं फोटो बुक प्रिंट करूंगा, कुछ स्पेशल होगा हमारे लिए। और तुम जानती हो कि हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा कुछ बता सकती हो तुम? जरूर कोई साइंस फिक्शन होगा, वो तुम्हारा ड्रीम था है ना? नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स में सिर्फ एक ही बुक है, वो है कुक बुक, मतलब टर्किश फूड की रेसिपी के साथ स्टोरीज भी रहेगी। कैसा रहेगा? तुम्हें अब भी ये सब याद है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये सब मेरे दिमाग में पहले दिन से चल रहा था जब मुझे तुम लंदन में पहली बार मिली थी। किचन में बताया था तुम्हारी वो एक्साइटमेंट और मेरे एक्साइटमेंट, बस वही एक्साइटमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बन गई थी। सच बोल रहा हूँ, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मेरी फैमिली भी है और एक भाई भी है जो बहुत प्यारा है। आ जाओ फिर। ये हुई ना मेरी बहन। ओह डियर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा, वादा है मेरा। वादा है। हाँ अच्छा, ये बातें तो होती रहेगी, चलो अब थोड़ा बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है चलो, मुझे तो अभी यकीन नहीं। ये भी देखो जरा, हमको उस बुक पर टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि तुम जल्दी चली जाओगी। ऐसा ही करते हैं। नहीं नहीं, ताजे ताजे दिदास, हटो हटो हटो, क्या कर रही है? हटो यहाँ से। सनेम सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? क्या है ये? हटो यार, क्या हो रहा है? ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। हटो यहाँ से, तुम रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हो? यही प्रेजेंटेशन है, क्या कर रहे हो? जे जे क्या हो रहा है? और कितना चलना है? और कितना? चलो यहाँ 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 राइट में, राइट में। ठीक है हाँ, ठीक है जे जे। मैं पीछे अटक गया, कुछ लिखा। जे जे आउट। जे 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 तुम बाहर आ जाओ। ओके ओके ओके, एक सेकंड गाइस, बस थोड़ी सेटिंग करने दो। ओके ठीक है, तो तुम्हें ये पैनल नजर आ रहा है? हाँ हम देख सकते। गुड गुड, तो अब मेरे ऑफिस में सिर्फ 13 ही दिन बचे है। कितने दिन बचे हैं मेरे ऑफिस में? 13 दिन। 13, और 13 दिनों के बाद मैं ऑफिस में से चली जाऊंगी। हाँ, तो कल मेरे कितने दिन बचेंगे ऑफिस में? 12। 12 दिन। जे जे 12। चलिए कल का दिन काउंट नहीं करते हैं, तो फिर कितने दिन बच जाएंगे? 11। सिर्फ 11 दिन बच जाएंगे, आपको बस एक दिन माइनस करना है गाइस। ओके, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है तो तुम्हारे पास 13 दिन है। इस बोर्ड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। ओके That's it. समझे सब लोग? अगर कोई काम है तो बस इस बोर्ड को देखो, सिर्फ 13 दिन बचे हैं आपके पास, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो वापस। ओके तो अब मुझे पेन दो। मुझे चाय ला कर दो, मुझे कॉफी ला कर दो। मेरा ये कहाँ है? मेरे सन ग्लासेस कहाँ है? मेरा वो कहाँ रह गया? ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं लिपस्टिक लगा कर बैठूंगी यहाँ और किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ओके क्योंकि अब मेरे पास बचे है सिर्फ 11 दिन, तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ गाइस। सच में निकल जाएंगे। ब्रावो ब्रावो। सनम, टायर कैंपेन का डेटा गैदर करके मेरे कैबिन में आ जाओ। जैसा आप कहे, पर तुम्हारी 13 दिन बचे हैं। ब्रावो सनम, ब्रावो ब्रावो सनम। उनका ऑर्डर है, जाना है। चलो। मैंने 13 देखा था इसलिए मैंने 13 कहा, मुझे पता था आंसर 12 है। तुम सही कह रहे हो, अपना काम कीजिए। हमारे रिसर्चर्स से पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ब्रांड पर फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है ये सब? बताओ क्या कहना है? हमें नंबर्स चाहिए, कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो चाहिए हमें। 72% से ज्यादा लोगों का यही कहना है। तुम तो कह रही थी कि 52% लोग ऐसा चाहते हैं, तो 52 और 70 में कुछ डिफरेंस नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से? मैंने ये स्टैटिस्टिक आपके टेबल पर रख दिए थे लेकिन आपने इनको देखा तक नहीं और अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी सॉरी, आप शायद पैकिंग करने में बिजी रहेंगे है ना, आपको ट्रिप पर जो जाना है तो सॉरी। ये सब काम मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ सनम, तुम्हारी तरह ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता इन सारी बातों के पीछे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपरली काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसीलिए ये थी सबसे। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, और जो फाइल्स है ना, ये वाली, अच्छा हमारे पास पिछले 5 सालों की फाइल्स है, am I right?
मुझे वो सारी पुरानी फाइल्स चाहिए। हाँ, पुरानी तो सबसे बेहतर और यूजफुल भी। मैंने हाँ हाँ, वो सारी फाइल्स देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुँचेंगे कि आखिर कितना परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सारी फाइल्स ढूंढ कर निकालूंगी। आखिर मुझे आपका ऑर्डर मानना जो पड़ेगा, हमें अपना काम करना ही चाहिए, है ना? थैंक गॉड, आखिर ये खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी बाहर जाने के लिए, मतलब अपना दूसरा काम करने के लिए। यस, ये खत्म हो गया है। मिस्टर जॉन सनेम को लेकर बहुत ही ज्यादा पूछी है, वो उसे निकाल देंगे। बेवकूफी भरी बातें बंद करो, सनेम ने रिजाइन किया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जान उसको उसका वक्त खत्म होने से पहले ही निकाल देंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, शर्त लगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे भी लगता है वो इंतजार नहीं करने वाले, वो कह देंगे कि जाओ। दोस्तों, मैं सनीम को जानती हूँ, वो कभी भी इतनी बेइज्जती सहन कर ही नहीं सकती। वो खुद उस डेट से पहले चली जाएगी, शर्त लगाकर कहती हूँ, देख लेना तुम। मुझे तो लगता है सब कुछ ना शादी पे ही खत्म होगा। वो जो इजिट है ना, सनम के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। क्या बोल रहे हो बकवास? मैं सनम को जानता हूँ, वो बराबर समझा कर उनसे शादी कर लेगी। मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से, चलो। शटअप शटअप, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिस देरिन, कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम लोग शर्त लगा रहे हैं। शर्त लगाना ये बहुत ही गंदा साउंड करता है गुलीस, बहुत गंदा है फ्रेंड्स। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की और ये लोग तो उस पर शर्त लगाने लगे मिस देरिन। और फिर हम लोग इस तरह से बात करने लगे। मुझे एक कागज और पेन दो। हाँ दो। और अब सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बोलो, ठीक है? मैं तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गए हैं सब यहाँ पर। अरे सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ, सबकी प्रेडिक्शंस मैं लिखना चाहती हूँ, सब अपनी अपनी बताएंगे। बताओ सनीम कहाँ जॉब करेगी, करेगी या नहीं? तो ये हमारी शॉप पर चली जाएगी। हाँ, मुझे तो।